नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, मैं अपने इस चैनल पर बीके बिजनेस आइडिया, इस पर मैं आपको बिजनेस करने का तरीका बताता हूँ कि आप जैसे कम से कम पैसे लगा कर कैसे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया? लेकिन मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा बिजनेस बताऊँगा जिसे बहुत ही आसानी से आप करके और बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। यह बिजनेस है शेयर मार्केट। अब देखिए, शेयर मार्केट को बहुत से लोग जुआ कहते हैं, सट्टा बाजार कहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा डूब जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप शेयर मार्केट को अच्छी तरह से समझ गए तो समझ लीजिए कि यह बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। जैसे उदाहरण के रूप में, आप अगर कोई भी बिजनेस करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपने डिटर्जेंट पाउडर का ही बिजनेस किया, तो डिटर्जेंट पाउडर बिजनेस करने के लिए आपको एक गोदाम बनाना होगा जहाँ पर आपको रॉ मटेरियल रखना होगा, आपको एक फैक्ट्री बनाना होगा जहाँ पर आप प्रोडक्ट बनाएंगे, या मान लीजिए आप कोई भी अगर दुकान खोल रहे हैं तो आपको एक दुकान लेना होगा भाड़े पर, खेती कर रहे हैं तो आपको एक खेती लेना होगा किराए पर। समझ में आ गया? मतलब कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ तक अगर ठेले पर सब्जी बेच रहे हैं या कुछ और भी बेच रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने प्याज बेच रहे हैं ठेले पर, तब भी आपको एक ठेला लेना होगा। अगर आप नहीं अपने ले सकते हैं तो आपको किराए पर लेना होगा, उसे रखने के लिए आपको एक जगह चाहिए। मतलब कोई भी बिजनेस आपको करना है, आपको एक जगह चाहिए। समझ में आ गया? लेकिन शेयर मार्केट ऐसा बिजनेस है जिसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, बस पैसा चाहिए। भाई पैसा, बिना पैसा तो आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसमें आपको पैसा तो लगाना ही होगा, तो पैसा तो आपका चाहिए। यह नहीं है कि आप बिना पैसे का शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, ऐसा नहीं है। पैसा तो आपको चाहिए और इसमें आपको जगह नहीं चाहिए। समझ में आ गया? आपको बस एक मोबाइल चाहिए, या अगर आपके पास लैपटॉप है लैपटॉप ले लीजिए, कंप्यूटर है कुछ भी है, आपको एक मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर में से कुछ भी आपको चाहिए। समझ में आ गया? अब देखिए, इसे सट्टा बाजार बहुत से लोग कहते हैं, तो यह अगर सही तरीके से समझेंगे तो आपको सट्टा बाजार नहीं लगेगा, लेकिन आप इसे अगर गलत तरीके से समझेंगे तो आपको सट्टा बाजार लगेगा। इसमें देखिए, एक होता है इंट्राडे। इंट्राडे के मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने सट्टा लगा दिया, मैंने एक शर्त लगा दिया कि आज अभी एक घंटे बाद बारिश होगा। समझ में आ गया? जैसे मैंने किसी से शर्त लगा दिया कि अभी एक घंटे बाद बारिश होगा, अगर बारिश हुआ, समझ में आ गया, जैसे बारिश होगा तो 100-100 रुपये का शर्त लग गया कि बारिश होगा तो 100 रुपया वो मुझे देगा और बारिश नहीं हुआ तो मैं उसे दूंगा। समझ में आ गया? जैसे मैंने कहा कि एक घंटे बाद बारिश होगा, 100 रुपये का शर्त है, तो अगर बारिश हो गया तो 100 रुपये मुझे मिलेंगे और बारिश नहीं हुआ तो 100 रुपये मुझे देने पड़ेंगे। मैंने एक दूसरे से शर्त लगा दिया, तो यह है इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब क्या होता है कि जैसे जब शेयर मार्केट का बाज़ार खुलता है 9:15 बजे खुलता है, तो अब उसमें आपको शेयर खरीदना है, लेकिन इसमें यह है कि आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ता शेयर मिल जाता है, उसे मार्जिन कहते हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, मैं आपको एक थोड़ा मोटी मोटाई से बता देता हूँ। उसके बाद आपने कोई भी शेयर खरीद लिया, वो जब महंगा होगा तो आपको लाभ होगा, और घाटा अगर उसका जैसे प्राइस डाउन हो गया, सस्ता हो गया, तो आपको पूरा घाटा हो जाएगा। इसी तरीके से फ्यूचर इज ऑप्शन। समझ में आ गया? तो इसके हम बारे में बाद में बात करेंगे। मैं आपको इसमें आपको एक शुद्ध बिजनेस बता रहा हूँ, डिलीवरी बेस कैश इन्वेस्टमेंट। यह एक शुद्ध बिजनेस है। समझ में आ गया? अब यह बिजनेस क्या है, देखिए, आप अगर डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पैसा लगाना होगा, अपना खुद का कंपनी फैक्ट्री बना रहे हैं। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं कि दूसरे के कंपनी में हम पैसा लगाते हैं। समझ में आ गया? अब इसमें आपको एक चीज़ देखना होगा कि कौन सा कंपनी पुराना है उसका। जैसे देखिए, शेयर मार्केट का आपको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट बनाना होगा। सबसे पहला काम यह है, आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए और आपको एक डीमैट अकाउंट बनाना है। वो भी इस समय एकदम फ्री में बन जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है, एक पैसा नहीं लगेगा। डीमैट अकाउंट ही आपका, समझ लीजिए, वो जगह है, वो फैक्ट्री है, वो कंपनी है, आप उसे कुछ भी समझ लीजिए, वही है। समझ में आ गया?
अब उसमें आपको पूरा देखने को भी मिल जाता है कौन सा कंपनी कितना ज़्यादा प्रॉफिट में है, कितना लॉस में है, कितने समय तक वो प्रॉफिट में था, कितने समय तक वो लॉस में था, ये आपको पूरा उसमें देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो आपको बस यही देखना है कि कौन सा कंपनी ज़्यादा लाभ हो रहा है या ज़्यादा हानि हो रहा है, तो आप उसके शेयर में पैसा लगा सकते हैं, उसका शेयर आप खरीद लीजिए। हो सकता है कि आपने शेयर खरीदा वो दो दिन में बढ़ जाए, चार दिन में बढ़ जाए, एक महीने में बढ़ जाए, साल भर में बढ़ जाए, दस साल में बढ़ जाए, उसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इसमें आपको पैसा नहीं डूबेगा। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए आपने अगर 100 रुपये का शेयर खरीदा, हो सकता है कि दो चार दिन में 120 रुपये का हो जाए शेयर, 130 रुपये का हो जाए, तो आप उसे बेच सकते हैं। और आप चाह रहे हैं कि और ज़्यादा वो बढ़े तो और ज़्यादा तक आप उसे होल्ड करिए, ये आपका शेयर हो गया, आप उसे जब चाहे तब सेल करें, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अब मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, अगर कंपनी का ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, कंपनी बड़ा होगा तो आपका शेयर भी बड़ा होगा, आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगर कंपनी थोड़ा घाटे में जा रहा है तो आपका शेयर भी ज़्यादा घाटा में जाएगा। समझ में आ गया? मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपने एक डिटर्जेंट पाउडर के बिजनेस में 1 लाख रुपये लगाया, अब एक महीने में अगर 1 लाख से बढ़कर 1,20,000 हो गया, 1,30,000 हो गया, तो आपका उतना हुआ ना प्रॉफिट। तो उसी तरीके से आपने जिस भी कंपनी में पैसा लगाया है, अगर वो प्रॉफिट कमाएगा तो आपको भी प्रॉफिट मिलेगा, और अगर उसका थोड़ा लॉस हो रहा है तो आपको भी लॉस हो रहा है। समझ में आ गया? तो यह हो गया, मैं अभी इस समय आपको सब मोटी मोटा बता रहा हूँ, इसके बारे में हम एकदम डिटेल से बात करेंगे एक एक कि इंट्राडे क्या होता है, फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है, डिलीवरी बेस कैश इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसमें कितना पैसा वैसा लगाना चाहिए, इस सब मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए शेयर मार्केट में आपको पैसा कितना लगाना है, तो जैसे मान लीजिए आपके पास अगर 1 लाख रुपये है, तो आपको यह नहीं है कि आप 1 लाख रुपये पूरा लगा दीजिए, नहीं, आपको जितने पैसा का अभी ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया? जैसे 1 लाख रुपये है तो आपको यह लग रहा है कि इसमें से 20,000 रुपये मुझे साल दो साल ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसका कोई टेंशन, मेरा 80,000 में काम चल जाएगा, खर्चा चल जाएगा, तो आप वही पैसा लगाइए। क्योंकि देखिए इसमें पैसा लगाने के बाद में यह नहीं है कि आप 2 से 4 दिन में ही पैसा कमा लेंगे, हो सकता है कि 10 साल 20 साल भी लग जाए, कोई गारंटी नहीं है इसका। समझ में आ गया? तो आपको यही पैसा लगाना है कि जिसका आपको तुरंत ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको सैलरी मिल रहा है 20,000 25,000 अगर सैलरी मिल रहा है, 30,000 40,000, तो आप उसमें जितना यह है कि मैं इतने पैसा अगर कहीं पर भी रख दूँ, कहीं पर भी लगा दूँ, तो इसे मुझे तुरंत ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो उसी पैसा को शेयर मार्केट में लगाइए। समझ में आ गया? इसके ऊपर हम एकदम डिटेल में बात करेंगे। मैंने तो सोचा कि अब अगर आप लोग इस पर कमेंट करेंगे तो मैं इसका वीडियो बनाऊंगा शेयर मार्केट का। यह देखिए बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए आप कोई भी बिजनेस इस समय कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मेरे जो भी वीडियो देखते हैं वो अधिकतर बिजनेस ही करते हैं, जॉब नहीं करते हैं ज़्यादा। तो मान लीजिए आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आपको जितना भी प्रॉफिट हो रहा है महीने में उतना का आप शेयर खरीदिए, बढ़िया बढ़िया कंपनी का, और रखिए शेयर मार्केट, यही सबसे बढ़िया है। समझ में आ गया? इंट्राडे वो करने में बहुत ज़्यादा घाटा होता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आपको लाभ भी मिलेगा, घाटा नहीं होगा। तो आप सीधा सीधा बात है, और यह बहुत ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है, बस आपको एक डीमैट अकाउंट बनाना है। अब आप डीमैट अकाउंट किस में बना सकते हैं, इसका अगर आप कमेंट करेंगे मैं इसका भी रिप्लाई दूंगा। बहुत ज़्यादा है डीमैट अकाउंट बनाने के लिए, तो एक बढ़िया देख कर है आप उसमें डीमैट अकाउंट बनाइए। समझ में आ गया? अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बताऊँगा भी। तो इस तरीके का नॉलेजबल वीडियो अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाया जाए, क्योंकि यह भी एक शुद्ध बिजनेस है। तो चलिए अगले वीडियो में अगर कमेंट आया इस पर, आप लोगों का ज़्यादा रिस्पांस है, तो मैं इस पर वीडियो और भी बनाऊंगा। चलिए तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।